नमस्कार दोस्तों सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में भी लीनियरटी प्रॉपर्टी बेस्ड दो नोमेरिकल प्रॉब्लम्स को फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये ई रेज टू पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ़ टी फाइंड आउट दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे आपको कोस ओमेगा नोट टी इंटू यू ओफ टी ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में लेकिन यहाँ एक हल्की सी प्रॉपर्टी है वो क्या है देख लीजिए मान लीजिए f1 वन ओफ टी कोई टाइम डोमेन सिग्नल है इसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया f ऑफ s अगर दोस्तों इस सिग्नल के साथ आपका e रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई हो जाए तो टर्म क्या बनेगी e की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई विद एफ वन ऑफ टी तो फिर ऐसा जो नया सिग्नल बना उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एस प्लस ए यानी जो पहले से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला हुआ था एफ वन ऑफ टी सिग्नल का अगर उसमें e की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई हो जाए तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला था अब वहां एस की बजाय एस प्लस ए प्लेस कर दीजिए वो इस सिग्नल का नया लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कैसे करेंगे कोस ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ टी इस सिग्नल का विद हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं दैट इज एस डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अगर दोस्तों इस सिग्नल के साथ ई रेज टू पावर माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाए तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू कोस ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ़ टी तो क्या होगा जहाँ भी एस है वहाँ एस प्लस ए पुट कर दीजिए तो नया प्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल स्क् प्लस ओमेगा नोट ये दोस्तों आपका इसका एक आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया है ठीक और कुछ बच्चे कहेंगे कि e की पावर माइनस ए टी एफ वन ऑफ टी ये जो प्रॉपर्टी आपने यूज की जहाँ s इज रिप्लेस्ड बाय s प्लस ए है ये कैसे हुआ तो ठीक यही क्वेश्चन इससे कुछ वीडियोस पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ही लेक्चर सीरीज़ में हमने सॉल्व कर रखा है तो कोई भी वीडियो आप देखें तो उसे प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है पूरी सिक्वेंस में देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और बहुत टफ़ से टफ कॉन्सेप्ट भी आप इजी लैंग्वेज में बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से सीख जाएं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है e की पावर माइनस ए टी इंटू साइन ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ टी सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होगी तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था साइन ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ टी आई होप वो आपने किया होगा और उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो मिलेगा ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा नोट स्क्र तो अगर इस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है और इस सिग्नल के साथ ई की पावर माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू साइन ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ टी तो क्या होगा जहां आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस था अब वहां एस प्लस ए पुट कर दें तो ये बन जाएगा ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ठीक है कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर ई e की पावर माइनस एटी की बजाय ई e की पावर प्लस एटी हो तो क्या करें तो अगर आपका ये बन जाता है ई रेज टू पावर एटी साइन ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ टी तो अब आप एस को एस प्लस ए की बजाय एस माइनस ए से रिप्लेस करें वो आपका एक नया लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा तो ये बनेगा आपका ओमेगा नोट स्क्वेयर सिमिलरली इसके साथ भी ई की पावर माइनस ए टी की बजाय ई की पावर प्लस ए टी मल्टीप्लाई हो तो क्या हो ई रेज टू पावर ए टी कोस ओमेगा नोट टी इंटू यू ऑफ़ टी इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ अब एस की बजाय रिप्लेस हो जाएगा ठीक है तो ये बन जाएगा आपका एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने मैं यहां सोल्व क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम इनवर्स लापलास ट्रांसफॉर्म स्टडी करेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएंगे जिससे हम इनवर्स लापलास ट्रांसफॉर्म लेके इन स्टैंडर्ड सिग्नल्स में अपने टाइम डोमेन सिग्नल को प्रेजेंट कर पाएंगे तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाले हैं जब हम इनवर्स लापलास ट्रांसफॉर्म को इन डिटेल स्टडी करेंगे तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो